हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास टेंथ ये थर्ड चैप्टर में वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड पे कुछ और पार्ट्स और डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगर अभी हम लोग कर चुके हैं, शायद कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। 3x + 2y = 7 है और दूसरा 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7 और आपको इसमें क्या बताना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। तो कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशंस हैं, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, और दूसरी कंडीशन क्या है, a1 upon a2 यदि b1 upon b2 के बराबर है तो ये c1 upon c2 के बराबर भी होना चाहिए, तो ये कंसिस्टेंट होगा। ये दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब द इक्वेशंस आर करेक्ट। अब इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब a1 upon a2 = b1 upon b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। अगर ये तीसरी कंडीशन अनइक्वल है तो अभी हम लोग इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें a1 upon a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 और ये b2। आप ऐसा सर्कल करके मत लिखना, हम सिर्फ समय बचाने के लिए ऐसा लिख लेते हैं, b1 upon b2 will be 2 upon minus 3। सो हियर वी से दैट a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट को अभी ic लिख देंगे अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला भी शायद अभी हम लोगों ने ले लिया, बट वी आर डिस्कसिंग ऑल दी पार्ट्स क्विकली। 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8 दिया है, आप भी साथ में करते चलो। और 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9। इसमें ये बेटा a1 है, ये a2 है, ये b1 है, सॉरी ये a1, ये a2, ये b1 और ये b2 है। अब इसमें देखो, इसको अभी हम लोग c1 और इसको c2 बोलते हैं। तो a1 upon a2 = 2 upon 4। a1 upon a2 = 2 upon 4 यानी 1 upon 2 आएगा। b1 upon b2 - 3 upon -6 यानी 1 upon 2 आएगा। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो तीसरी कंडीशन आपको चेक करनी ही पड़ेगी। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, इसमें तीसरी कंडीशन में c1 upon c2 = 8 upon 9। तो इसमें क्या बोलेंगे, a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर है बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। देयरफॉर व्हाट कैन वी से दैट द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देयरफॉर दीज आर इनकंसिस्टेंट है। फिर थर्ड वाला पार्ट देख लो इसका। ठीक है, सो वी आर डूइंग दिस क्विकली बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। आपको सिर्फ हिंट भर दे रहे हैं, बाकी करना आपको ही है। इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं सोचिए कि आपने कर लिया, ये अभी हमने किया है। थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी है 3/2x और क्या दिया है बेटा, +5/3y = 7 दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, 9x - 10y = 14, ऐसा कुछ है। अब इसमें देखो, इसको अभी हम लोग a1 बोला, इसको b1 बोला, इसको c1 बोला, इसको वी आर सेइंग दिस इज a2, दिस इज b2 एंड दिस इज c2। नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई a1 upon a2। a1 upon a2 कितना आएगा बेटा, ये ऊपर तो 3/2 है, a2 कितना है 9, तो इसमें ऊपर वाले फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर,
नीचे आ जाएगा 2 into 9 यानी 1/6 आ गया। b1 upon b2 कितना आएगा बेटा, b1 upon b2 ये कितना आएगा 5/3, ऊपर वाला फ्रैक्शन नीचे वाला फ्रैक्शन ये है, तो क्या आएगा ये 5 upon 3 into -10। इन दोनों को अगर आप देखो तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में अभी हम लोगों को रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिल गया कि a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो इसको देखकर अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट दीज इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट। ये लिखा हुआ साइड में सब कुछ, अगर a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर नहीं है तो ये कंसिस्टेंट है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 5x-3y = 11। फोर्थ पार्ट 5x-3y = 11 है और -10x + 6y = -22। अब इसमें इसको a1 बोलेंगे, इसको b1 बोलेंगे, इसको c1 बोलेंगे, और ये क्या है a2 है बेटा, ये क्या है b2 है, और ये क्या है c2 है। और आपको वो कंसिस्टेंट, वेरी गुड तमन्ना। अब देखो a1 upon a2 इज 5 upon -10 और b1 upon b2 कितना -3 upon 6। सिंप्लीफाई करने पर ये 1 है, ये 2 है, -1/2, ये भी 1/2, मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपको तीसरा वाला देखना ही पड़ेगा। और c1 upon c2 देखो बेटा, c1 upon c2 कितना आ जाएगा 11 upon -22। तो इसमें अभी हम लोग ये कह सकते हैं दैट a1 upon a2 इज इक्वल टू, बेटा कुछ प्रॉब्लम है तो मैसेज कर देना इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम। a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, एंड सिंस ऑल दीज थ्री आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट द इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। ये इक्वेशंस जो हैं, कैसी इक्वेशंस हैं, दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। नेक्स्ट अब इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो है, कंडीशंस अभी हमने साइड में लिखी हुई है, अभी हमने रब नहीं किया क्योंकि इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, बार बार इन्हीं को यूज कर रहे हैं। और ये क्या है 4/3x + 2y = 8 ऐसा है, और 2x + 3y = 12 ये बेटा a1 है x के साथ वाला, और y के साथ वाला b1 है, ये कांस्टेंट नंबर ऑन द अदर साइड c1 है। ठीक, अब ये वाला पार्ट जो है दिस इज a2, ये जो पार्ट है ये b2 है, और ये कांस्टेंट पार्ट ये c2 है। और इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से a1 upon a2 निकालिए। a1 upon a2 अगर आप निकालेंगे तो ये ऊपर 4/3 है और नीचे ये 2 है, तो क्या होगा, ऊपर वाला फ्रैक्शन जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, ये 3 into 2, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। a1 upon a2 निकाल लिया, फिर इसके बाद b1 upon b2, ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वी आर डूइंग फिफ्थ पार्ट।
अब बी वन अपॉन बी टू में टू डिवाइडेड बाय थ्री, तो ये तो इक्वल आ गया। अब जब ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू इक्वल आ जाए तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। चेक करने के लिए सी वन अपॉन सी टू भी निकालें। सी वन अपॉन सी टू अगर आप निकालेंगे तो एट अपॉन ट्वेल्व, ये सी वन एट है और सी टू की वैल्यू ट्वेल्व है, तो फोर टू जार एंड फोर थ्री जार। तो ये देखो ए वन अपॉन ए टू टू बाय थ्री, बी वन अपॉन बी टू ये भी टू बाय थ्री और सी वन अपॉन सी टू टू बाय थ्री। कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ए वन अपॉन ए टू इजिकल बी वन अपॉन बी टू इजिकल सी वन अपॉन सी टू, देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में ठीक है बेटा तमन्ना भूमि ठीक है। हाँ, इफ यू आर हैविंग शी हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन दैट इफ ए वन अपॉन ए टू इज ऑफ दिस सॉर्ट, सपोज फोर बाय थ्री फाइव बाय सेवन, अगर दोनों फ्रैक्शन में है तो इसको तो आप एज इट इज लिख लेते हैं 4 बाय 3। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कैसा? रेसिप्रोकल लेकर। नीचे 5 बाय 7 है तो 7 बाय 5 आ जाता है। दिस इज हाउ वी राइट। मे बी विल बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप ऑल्सो इन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना। एनसीईआरटी में तो अभी नहीं दिख रहा हमें, अगर कुछ हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अभी हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। So this finishes what? All the parts of the third question. अब इसके बाद fourth question देखो। Which of the following pairs of linear equations are consistent? ये फिर से वही है, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि अगर ये consistent हैं, if these are consistent, obtain the solution. If consistent, find the solution. ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लो। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है? X प्लस वाई इक्वल टू फाइव। अब इसमें अभी हम आपको कुछ ट्रिक्स दे देंगे, ये अच्छे सुनना बेटा। x प्लस वाई इक्वल टू फाइव है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर आपको कहीं पर भी एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमारी ये सलाह है कि आप पहले ये चीज चेक करके देख लिया करें ग्राफ में। ये तो इसमें फेयर में इन्होंने करने को कहा ही है। They are saying that you have to solve these values graphically. ये consistent हैं कि नहीं है ये भी check करना है। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो भी हमारी ये सलाह है, this is my advice that you have to check whether these equations are consistent or inconsistent. Consistency और inconsistency check करने से फायदा क्या होगा? हमें nature of the graph पता चल जाएगा, है ना। अब हम आपको इसका मतलब समझा देंगे जो अभी हम बात बोल रहे हैं। क्या हमने ये बोला कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में आए, इस प्रॉब्लम में तो इन्होंने चेक करने को बोला है कि आप चेक करके बताओ। ए वन इसमें वन है, बी वन इसमें वन है, हम इसमें पूरे में नहीं लगा रहे, बी वन इसमें वन है और सी वन इसमें फाइव है। ए टू की वैल्यू जिन लोगों को नहीं मालूम, एक्स के साथ जो नंबर्स है उनको ए वन बी वन सी वन फर्स्ट इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन का एक्स के साथ ए टू, वाई के साथ बी टू और ये कॉन्स्टेंट नंबर सी टू। अब ए वन अपॉन ए टू कितना आ जाएगा बेटा? ए वन अपॉन ए टू विल बी वन अपॉन टू। बी वन अपॉन बी टू कितना आ गया? बी वन अपॉन बी टू भी वन अपॉन टू। अब C1 अपॉन C2 आपको निकालना ही पड़ेगा और ये वाली वैल्यू भी कितनी है? 1 अपॉन 2 है, ठीक। अब इससे क्या मिल रहा है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या है? द इक्वेशंस आर द
इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब सही हैं, कंसिस्टेंट हैं, और इसमें अभी हमने नेचर बताया था कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक में, तो अगर आपको नहीं मालूम तो आप उसको जरूर देख लेना वीडियो को। इसमें अभी हमने ये बोला दैट इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है तो दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक के ऊपर एक आएंगी, है ना। अब इसमें अगर ऐसा कुछ है तो आपका काम बहुत सारा बच जाएगा। कैसा, ध्यान से सुनना। आप किसी एक इक्वेशन की आप पॉइंट्स निकाल लो, जैसे x की वैल्यू 1 अगर आप रखोगे, हम फिर से लिख दे रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 1 अगर आप ले लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 होनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 4 5 आएगा। और बताओ x की वैल्यू 2 अगर आप ले लें, x की वैल्यू 2 अगर आपने ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर आपने x की वैल्यू 3 ले ली तो y की वैल्यू 2। अच्छे सुनना बेटा, अब अगर आपने इस चीज का इस्तेमाल कर लिया, ये फैक्ट अगर आपको मालूम है, ये फैक्ट अगर आपको मालूम है तो आप तुरंत इसकी भी टेबल तुरंत बना सकते हो। कैसे, आप इन्हीं को कॉपी कर लो, चेक करके देखना, हम जब ये क्लास ओवर हो जाए तो ये चीज चेक जरूर करके देखना। अभी आप एक तो चेक करा ही दे रहे, x की वैल्यू 1 रखो 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 4 रखो तो 2 प्लस 8 2 इंटू 4 आएगा ना, हमने बोला x की वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1, y की वैल्यू 4 मतलब 2 इंटू 4 तो 2 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात समझ आ रही है अभी हमने क्या बोला। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए आप रफ में ये वाला काम जरूर कर देखें, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर कैसा आने वाला है। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो लाइंस एक के ऊपर एक आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। ये अभी हमने डिटेल में पिछली क्लासेस में बताया है कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर है, c1 अपॉन c2 के बराबर है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, और इनको अगर आप प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, प्लॉट करने पर एक के ऊपर एक लाइंस आएंगी, और एक के ऊपर एक लाइंस अगर आनी है तो हमने तो ये आपको ऐसा कहा है कि आप ऐसा उतार दीजिए, है ना, बट नोबडी नोज, एग्जामिनर को सिर्फ पॉइंट से मतलब और लाइन से मतलब है, है ना। इट डज नॉट मैटर वेदर दीज पॉइंट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, एक ये पॉइंट आ गया, फिर 2, 3। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका समय बचा देंगी, और अगर आपका समय बच गया, हम ऐसी बहुत सारी चीजें बताएंगे, अगर आपका समय बच गया ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन में पूरे पेपर में, तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अपर एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपके पास एक एडवांटेज रहेगी। तो ये कौन सी लाइन आ गई बेटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और जिन लोगों ने ये शुरू से अटेंड की हैं क्लासेस, उनको ये देखते ही साथ समझ में आ जाएगा कि ये पहली और दूसरी में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या, इसका डबल है, इस पूरी लाइन को 2 times मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गई, है ना। तो दो तरीके से अभी हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता दिया, और एक काम बचाने का तरीका भी बता दिया, और दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। हम बनाते थोड़ा सा ऊपर हैं या नीचे बनाते हैं ताकि आपको दिख जाए, है ना। आपको अगर नहीं दिख रहा तो ये देखो, यू विल बी एबल टू सी दी लाइंस, है ना। चलो, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट देख लो, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी इस वाले में। फर्स्ट वाला हो गया, फिर सेकंड वाले में देखो, आपको सोल्यूशन तभी निकालना जब ये कंसिस्टेंट हो, है ना। जस्ट सी द सेकंड पार्ट, हाँ पेपर में एक ही लाइन बनानी है ना, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीचर्स, है ना, आप कैसा करने वाले हैं।
और जहां तक है इस बार तो लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज व्हाट विल हैपन थ्रू आउट द ईयर, ये पूरा साल जो है आपका ऐसे ही जाने वाला है, ऑल दी पेपर्स विल बी हेल्ड ऑनलाइन एंड ऑनलाइन यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ ग्राफ्स, है ना। हाँ, लेकिन अगर इनकेस मार्च अप्रैल में अगले साल 2021 में अगर आपके पेपर्स होते हैं तो होपफुली यू कैन ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ ओनली वन लाइन, और लेकिन आप इक्वेशन दोनों लिखोगे, एक ऊपर लिख दोगे एक नीचे लिख दोगे, है ना। चलो नेक्स्ट इसका आप सेकेंड पार्ट देखो, 2x माइनस फोर्थ का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अरे हमने ये लाइंस बना ली, हमें लगता है इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, जरूरत पड़ेगी क्या? आप देखो जो लोग शुरू से अटेंड कर रहे हैं उनको ये पता होगा, आपने डबल किया लेकिन राइट हैंड साइड में गलती कर दी, है ना। ये अभी हमने कंसिस्टेंसी में एग्जांपल लेकर बताया था, तो ए वन अपॉन ए टू, टू अपॉन फोर है यानी 1/2 आया, डबल किया है। बी वन अपॉन बी टू कितना आया बेटा, -3/-6, ये -3 ये -6 यानी 1/2, और सी वन अपॉन सी टू के बराबर नहीं आया, तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करने को बोलते भी, मान लीजिए अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने को बोलते तो कैसा आता, ये पैरेलल लाइंस आती है ना, तो पैरेलल लाइंस में भी आपको बहुत आसानी है, इसकी भी अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे आगे की क्लासेस में, है ना, कैसे ड्रॉ करना है कम समय लगाकर। चलो नेक्स्ट इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में क्या दिया है बेटा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, हमने -6 को उस साइड ट्रांसफर कर लिया, और 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, आपको इन प्रॉब्लम्स को अगर आसान करना तो थोड़ा सा आप देखते चलेंगे ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं इजी हो जाएंगी। अब जैसे हमें इक्वेशन को लिखते ही साथ दिख गया कि सेकेंड वाली इक्वेशन डिवाइड हो सकती है 2 से, अगर आपको दिख जाता है तो आसान रहेगा, ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू, ये ए वन है, ये ए टू है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1, ये C2, ए वन अपॉन ए टू कितना बेटा 2/4 यानी 1/2, बी वन अपॉन बी टू कितना है बेटा 1/-2, ठीक। अब इसके बेसिस पर अभी हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू इक्वल नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इसका सोल्यूशन निकालना है, और सोल्यूशन निकालने के लिए हम यहां पर अलग अलग लिखते रहे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमने इसमें क्या चीज बताई थी अगर किसी को ध्यान हो, हमने बोला था अगर आपको कैलकुलेशंस आसान रखने हैं तो ऐसे वेरिएबल को इस तरफ रखना जिसका कोएफिशिएंट छोटा है, x के साथ यहां पर 2 है 1 है y के साथ, तो 1y जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसको लेफ्ट साइड पे रखना, y का कोएफिशिएंट छोटा है, अब इसको उधर ले जाओ, इधर पर क्या करेंगे, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दे तो बहुत आसान हो जाता है, कर दें क्या, कैसे ही सॉल्व कर दें बताओ, जब तक अभी हम इसकी टेबल बनाते हैं आप जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे,
डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, इसमें x ले लिया, इसमें y ले लिया, इसमें x की वैल्यूज रखते जाएं, x की वैल्यू 0 अगर रखोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो y की वैल्यू 4, और 2 अगर रखा 6 माइनस 4 यानी 2, है ना। तो ऐसा कुछ आ गया। अब इसमें बताओ इसमें क्या करें, चलो अच्छा ऐसे ही सॉल्व कर दें। अगर आपने ऐसा भी कर लिया तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप उधर डिवाइड नहीं करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 1 माइनस 2x अपॉन माइनस 2, मतलब आएगा अल्टीमेटली वैसे ही जो भी हम बोल रहे थे 2x माइनस 1। ये 2x माइनस 1 क्यों हो गया बेटा, एक माइनस साइन है नीचे जो कि मल्टीप्लाई होगा, इसमें से पहले 2 कॉमन लिया तो इधर 2 बचेगा, इधर 2x बचेगा, ये 2 है बेटा, और माइनस साइन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2। तो अभी हमने बोला था आप इधर इधर भी डिवाइड कर सकते थे, कैसा 2x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2x माइनस 2। अब इसमें भी टेबल जो बनेगी वो कैसी आ जाएगी, x और y, x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, और उसके बाद x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू 0, और एक और पॉइंट 2 अगर ले लिया, लो आंसर तो अभी अपन लोगों को यहीं पर मिल गया, ये देखो 2 2, दोनों जगह दोनों टेबल्स में जो कॉमन नंबर आ जाता है वो इसका आंसर है। तो अब इसमें अगर आप प्लॉट करेंगे ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो अब इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे, पहली वाली लाइन 0,6 पहला 0,6 यहां पर आ जाएगा, फिर उसके बाद 1,4 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, और उसके बाद कौन सा है 2,2, दिस विल बी द लाइन। और दूसरी वाली अगर आप बोलें तो ये 0,-2, एक ही आ गया 0,-2 और 1,0 एक ही आ गया, तो 2,2 विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट देखें, फोर्थ के फोर्थ पार्ट में टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 2 है, और दूसरा क्या है 4x-4y = 5। ये तो अभी आप देखकर ही बता सकते हो कि भाई डबल करना था, डबल करने पर राइट साइड में 4 आना चाहिए लेकिन 5 लिखा है, मतलब गलत है ना, इनकंसिस्टेंट आएगा ये। a1 अपॉन a2 बेटा कितना है 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है -2/-4 यानी ये 1/2 आएगा, और c1/c2 कितना है 2/5। तो क्या को बोल सकते हैं a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, therefore these equations are inconsistent, ठीक है बेटा। अब बाकी के प्रॉब्लम्स लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, that's all for today।